यूपी में धाड़ेगी कांग्रेस की खुकार सेनीय प्रियंका गांधी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय नेहरू भवन में कल बजेगा प्रियंका गांधी का डंका। दरअसल प्रियंका गांधी बुधवार यानी कल 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला घोषणा पत्र जारी कर सकती है। वहीं कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में रोजगार, सुरक्षा और सम्मान के अहम मुद्दे शामिल होंगे। इन मामलों पर फोकस करते हुए कांग्रेस की महिलाओं को रिझाने की कोशिशें लगातार जारी है। यही नहीं, यह घोषणा पत्र उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता तैयार करेगा। यूपी के चुनाव में महिला सुरक्षा अहम मुद्दा रहा है। प्रियंका गांधी सीएम योगी के कार्यकाल में हुई बलात्कार की घटनाओं का मुद्दा उठाती रही है, चाहे वह उन्नाव हो या हाथरस। प्रियंका गांधी की हर मुमकिन कोशिश रही है कि वह फ्रंट पर नजर आए। आशुतोष शुक्ला यूजर्स ने लिखा कि जनता के सरोकार वाले मुद्दे घोषणा पत्र में शामिल किया जाए और शिक्षित रोजगारों के बारे में कुछ ज्यादा ही करने की जरूरत है। आपको बताते चले कि आने वाले समय में यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी लगातार मेहनत करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का कद प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या रंग लाती है। न्यूज़ डेस्क से असना जैदी की रिपोर्ट।